हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से उमंग कुकिंग एंड ब्लॉग। आप लोगों फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छा होंगे और स्वस्थ होंगे। लास्ट वीडियो में मैं फ्राई पैन में पिज्जा कैसे बनाता है मैं वो दिखाया था आप लोगों को। आज मैं उसी पिज्जा का रिलेटेड एक सॉस बनाऊंगा, जो पिज्जा का सॉस होममेड पिज्जा सॉस कैसे बनाया जाता है आज मैं उसी का रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे साथ देखते रहिए और सॉस बनाने के लिए क्या क्या इंग्रीडियंट्स लिया हूँ मैं आप लोगों के साथ उसको तैयार करा देता हूँ। व्यूअर्स, मैं यहाँ पे इतना लाल लाल टमाटो पका हुआ टमाटो लिया और टमाटो कभी भी लाल लाल एकदम पका हुआ टमाटो चूज़ करना है, पिज्जा का सॉस और भी अच्छा बनेगा, ठीक है। उसके बाद चॉप ऑनियन लिया, गार्लिक चॉप लिया और नमक, वाइट पेपर लिया, पापड़िका पाउडर लिया, स्वीट पापड़िका पाउडर। इसकी जगह आप लोग अगर पापड़िका पाउडर नहीं है तो आप लोग कश्मीरी चिल्ली पाउडर भी यूज़ कर सकते हो थोड़ा सा कलर के लिए। ब्लैक पेपर लिया, शुगर लिया और बेसिल लीव्स, थोड़ी सी टमाटर केचप। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सब डिटेल्स दे दूंगा और पिज्जा का वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं प्रोसेस कैसे स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मैं यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए रखा, पानी गर्म तब तक होने दीजिए जब तक मैं आप लोगों को टमाटो को कैसा कटिंग करना है वो आपको दिखाता हूँ। टमाटो करना है ब्लेंच, ब्लेंच करने के लिए टमाटो को ऐसा टमाटो का आइस जो है आइस इस तरह से निकाल देना और उसके साथ में ऊपर से थोड़ी सी कट लगा देना है इस तरह से, देखिए इस तरह से कट लगा देना। तो इसमें ना ब्लेंच होने के बाद टमाटो का जो छिलका होता है वो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं एक एक करके सब इस तरह से कट लगा दूंगा। देखिए व्यूअर्स, सब टमाटो को मैं इस तरह से कट कर लगा दिया। इसके बाद पानी में डाल दूंगा उबलता हुआ पानी में, देखिए ब्लांच हो जाएगा थोड़ा। देखिए पानी उबल चुका है, अभी गैस को थोड़ा सा स्लो कर देंगे। इसको लगभग 3-4 मिनट तक ब्लांच कर लेना है ताकि वो उसका छिलका निकल आए। ऑलमोस्ट 3-4 मिनट हो चुका है, अभी टमाटो भी देखिए एकदम रेडी हो चुका। बॉल में ठंडा पानी लिया, फटाफट ठंडा करने के लिए इसको मैं ठंडा पानी डाल दूंगा, ठीक है। ये देखिए एक एक करके सब डाल दिया ठंडा पानी। उसके बाद गैस कर दूंगा बंद। और अभी नेक्स्ट प्रोसेस देखिए, इसका छिलका हो गया निकल गया इस तरह से। निकलने के बाद इसको रख देंगे ऐसा एक प्लेट में। इतना आसानी से टमाटर का छिलका निकल गया। हो गया इसको अभी टमाटर के अंदर का जो बी होता ना बी, इसको निकालने के लिए ना इस तरह से एक हाथ पकड़ के, इधर दिखाओ, एक हाथ पकड़ के ना इस तरह से प्रेस कर दो। देखिए ऑलमोस्ट लगभग इसका सब बी निकल गया, ठीक है, बी निकल गया। बी रहने से ना वो अच्छा नहीं दिखता है और अच्छा भी लगता नहीं। तो ये हमारा रेडी हो चुका है, अब इसको नेक्स्ट प्रोसेस निकालो। व्यूअर्स, अभी नेक्स्ट प्रोसेस है, इसको एक मिक्सिंग बॉल में रखा। रखने के बाद इसी हैंड ब्लेंडर से, इधर दिखाओ, इसी हैंड ब्लेंडर से इसको रफली ब्लेंड कर लूंगा। आप लोग अगर ब्लेंडर नहीं है तो मिक्सी में भी नाइफ का मदद से भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए व्यूअर्स, इस तरह से ब्लेंड कर लूंगा। देखिए व्यूअर्स, इस तरह से
पेस्ट बना लिया रफली, एकदम स्मूथ पेस्ट नहीं, थोड़ा सा दरदरा है इसमें, ऐसा होने से अच्छा होता है पिज्जा का सॉस, एकदम स्मूथली भी इतना ठीक ठाक नहीं लगता है, ऐसा लगता है टमाटो केचप। तो टमाटो केचप कैसे नहीं बना रफली, अभी इसको हम मसाला कैसा बनाएंगे उसको दिखाता हूं आपको। तो व्यूअर्स सबसे पहला एक नॉन स्टिक पैन ले लिया, गैस कर देंगे ऑन, इसमें थोड़ी सी सनफ्लावर ऑयल डाल दिया, सनफ्लावर ऑयल, इसमें थोड़ी सी गार्लिक चॉप, कटा हुआ बारीक प्याज, इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा भून लेंगे, देखिए इस तरह से भूनना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ठीक है, लाइटली, इसका जो कच्चा जो स्मेल हो जाना चाहिए उतना फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई करने से क्या होगा बास मरेगा। देखिए व्यूअर्स ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है, गैस कम कर देता हूँ, फ्राई हो चुका है, अभी इसमें डालना है वो टमाटो पेस्ट, ठीक है। पेस्ट डाल दिया, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए, अभी इसमें सीजनिंग ऐड करेंगे, मसाला जो जो भी मसाला यूज़ कर रहा हूँ मैं वो डाल दूंगा धीरे धीरे, पहले हम डालेंगे नमक अपना स्वाद अनुसार, वाइट पेपर पाउडर, थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ी सी शुगर, और मैंने यूज़ किया है स्वीट पपड़ी पाउडर, आप लोग कश्मीरी चिल्ली पेस्ट भी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, थोड़ा सा टमाटो केचप डालूंगा और थोड़ी सी शुगर, ठीक है। अभी जो हमने बेसिल लीव्स रखा था, बेसिल का पत्ता, इसको आप लोग कटिंग करके भी डाल सकते हैं, ऐसा हाथ से तोड़ के भी डाल सकते हो, अच्छे से फ्लेवर आएगा इसमें। और इसको थोड़ा अच्छी तरह से पकाने के लिए थोड़ी सी मैं पानी यूज करूंगा, स्टॉक वाटर, पानी चलिए थोड़ी सी पानी डाल दिया, इसको 2-3 मिनट तक पकाएंगे धीमी आंच में। देखिए व्यूअर्स सॉस का कंसिस्टेंसी देखिए कितना अच्छा हुआ है, और कलर भी बहुत ही खूबसूरत प्यारा कलर हुआ, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा पिज्जा सॉस बन चुका है, थोड़ी सी और 1 मिनट तक पकाएंगे ये सब स्लो आंच में, तब तक आप लोग देखते रहिए। अगर मेरा ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर देना, ताकि और भी अच्छा अच्छा वीडियो आप लोग देख सकते हो, मैं भी बना सकता हूँ अच्छा सा वीडियो, ठीक है, आप लोगों को उपहार की तरफ से दे सकता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस रेसिपी का टोटल डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल्स दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे चेक कर लेना। आप लोग अगर कोई रेसिपी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, आप लोग कौन सा रेसिपी चाहिए वो भी बताना, मैं ट्राई करूँगा। तो व्यूअर्स मेरा सॉस पिज्जा सॉस रेडी हो चुका है, ठीक है, अभी इसको थोड़ा एक बॉल में उठा के मैं आपको लोगों को टेस्ट करके बताता हूँ कैसा हुआ है, ठीक है। ये हमारा बारटेंडर है, ये भी पिज्जा सॉस टेस्ट करने वाला है, थोड़ा से मैं टेस्ट करूँगा कैसा हुआ है, ठीक है, तो ये भी टेस्ट करेंगे और ये भी टेस्ट करता हूँ। देखिए मैं एक स्पैचुलर का मदद से सॉस प्लेट में डाल दिया, फ्रेश बेसिल लीव्स दे दूंगा, देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारा पिज्जा सॉस, लोगों को टेस्ट करके बताएंगे, आ जाओ मिस्टर। तो व्यूअर्स मैं अभी सॉस कैसा हुआ टेस्ट करके बताता हूँ, ठीक है, और हमारा ये बारटेंडर मिस्ट्रेस ये भी आप लोग टेस्ट करेंगे, सुपर टेस्ट हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है, इसमें पिज्जा बनेगा ना एकदम लाजवाब बनने वाला है। सॉस कैसा हुआ है? मेरे ऑडियंस के लिए कुछ बोलो, कूपन का वीडियो सब देखो, लाइक करो, कमेंट करो, कुछ आपकी तरफ से रेसिपी रहेगा भी, वो भी कमेंट करके बोल दो, सेफ बना रहेगा।
लास्ट वीडियो में पिज्जा फ्राई करके पिज्जा कैसे बनाता है मैं दिखाया था, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाके पिज्जा कैसे बनाया वो आप देखिए और कमेंट करके बताइए पिज्जा कैसा हुआ था और आपका सॉस का रेसिपी कैसा हुआ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन बताइए बताना। फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अच्छा रहिए, अच्छा खाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।